मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे त्रिपुरा रियासत की कहानी। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी भारत के, जिसे नॉर्थ ईस्ट हम कहते हैं, उसके तीन प्रमुख रियासतों में से एक थी। बाकी दो रियासतें थी मणिपुर और कूच बिहार। त्रिपुरा का भारत के इतिहास में महत्व इस कारण से रहा है कि जो ईस्टर्न इंडिया का जो हिस्ट्री और कल्चर है उसमें त्रिपुरा के राज परिवार ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अगर आप त्रिपुरा रियासत का जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हमें समझ में आता है कि इतिहास में वो स्ट्रेटिजिकली कितना इम्पॉर्टेंट रहा होगा। तो त्रिपुरा बीच में है, उसकी दक्षिण में स्थित है अराकान का राज्य, आज जो हम रोहिंग्या, जिसे रेफ्यूजीज और जो रोहिंग्या क्राइसिस बर्मा में चल रहा है, तो उनका एक बड़ा राज्य था अराकान में, जो आज बर्मा में आता है। फिर त्रिपुरा के ईस्ट में थे कचार, जो असम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक बड़ा राज्य हुआ करता था कचारियों का। फिर मणिपुर भी था उसके नॉर्थ ईस्ट में, और फिर एक एक साइड पर बंगाल था, और फिर असम जहाँ पर अहोम राजाओं का राज था। तो ऐसे ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज हैं उनके बीचों बीच ये त्रिपुरा राज स्थित हुआ करता था। त्रिपुरा का जो माणिक्य देव बर्मन राज परिवार है उसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है, पर इस परिवार के इतिहास का और त्रिपुरा के राजाओं के इतिहास का हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हम मानते हैं वो है राजमाला। अब जिस तरह कश्मीर में राज तरंगिनी करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है पंडित कल्हाना ने लिखी हुई, जो एक क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर किंग है, उसी तरह से त्रिपुरा में एक राजमाला करके एक टेक्स्ट है जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया था, और इट वाज बिलीव टू बी अ कंपाइलेशन की जो राज पुरोहित जो ओरली जो राजाओं की वंशावली एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वो ओरली ट्रांसमिट करते थे। तो मान्यता के अनुसार 15वीं शताब्दी में उसे एक रिटन फॉर्म में कंपाइल किया गया। अब इस टेक्स्ट के अनुसार जो माणिक्य देव बर्मन राज परिवार है त्रिपुरा का, उसका 5000 साल पुराना इतिहास है, और मान्यता के अनुसार वो चंद्र के वंशज हैं, और ये भी उसमें लिखा गया है कि जो त्रिपुरा के राजा थे उन्होंने युधिष्ठिर, जो महाभारत के जो युधिष्ठिर है, जिन्होंने जब अपनी ताजपोशी की थी इंद्रप्रस्थ में, तब त्रिपुरा के राजा ने उसे अटेंड किया था, और फिर महाभारत में भी त्रिपुरा की फौजों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये सब उसमें राजमाला में लिखा गया है। पर राजमाला के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें उसका आर्कियोलॉजिकल या एपिग्राफिकल एविडेंस जो पहले का इतिहास है उसका नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम पूरे त्रिपुरा के साथ है, बिकॉज अगर आप देखें तो त्रिपुरा में एक जगह है ऊनाकोटी करके, स्पेक्टैक्युलर पहाड़ों पर शिवजी के और पार्वती के, देवी के और हिंदू भगवानों के स्कल्पचर्स हैं, पर आज भी हमें पता नहीं है कि यहाँ पर ये स्टैचूज क्यों बने, या कौन सी सदी में बनाए गए, क्या इसका इतिहास है। तो जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत से इतिहास के, त्रिपुरा के इतिहास के पहलू जो है वो आज भी अनकहे हैं। त्रिपुरा जो मध्ययुगीन काल है, तब से हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स त्रिपुरा के जो माणिक्य देव बर्मन राज परिवार के मिलते हैं। उस समय कैसा हुआ करता था कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जो त्रिपुरा का राज था वो आज के त्रिपुरा से तिगुना बड़ा था, 3 times द साइज, और उसके दो डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन्स हुआ करते थे। एक जो था वो पहाड़ी, जिसे हिल त्रिपुरा या पहाड़ी त्रिपुरा कहा जाता था, जो आज का जो त्रिपुरा स्टेट है, और दूसरा जो है वो प्लेन त्रिपुरा, या जिसे बोलते हैं ना, जो नदी का जो गैंजेटिक डेल्टा वाला जो सपाट ज़मीन है वो वाला त्रिपुरा कहा जाता था, जो आज का जो बांग्लादेश का जो नोआखली और कोमिला जो इलाका है वो। तो ऐसे इन दो डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन्स में त्रिपुरा का राज्य फैला हुआ था,
और उसकी राजधानी थी उदयपुर, जो अगरतला के पास में ही है। जब अराउंड 1600s के बाद जब बंगाल में मुगलों का राज आया, तब काफ़ी मुगलों के जो गवर्नर्स थे उनका आक्रमण त्रिपुरा पर होने लगा। और इनफैक्ट जो मुगलों ने इनफैक्ट काफ़ी टाइम त्रिपुरा पर कब्जा भी कर लिया था, जो त्रिपुरा के राजा है उन्हें जंगल में भागना पड़ा था। और उस टाइम सरकारे उदयपुर करके एक मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेमी ऑटोनोमस, जिसे हम कहते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव, एक यहाँ पर शासन चलने लगा। बट आगे चल के जैसे मुगलों की ताकत घटने लगी, तो जो माणिक्यदेव बर्मन यहाँ के राजा है, उन्होंने फिर अपनी अपनी सत्ता वापस यहाँ पर स्थापित कर ली। अब जब 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा, तब यहाँ पर बंगाल के नवाबों का राज शुरू हुआ बंगाल में। और फिर वो, आई मीन ऑब्वियसली वो त्रिपुरा के राजाओं के साथ उनके रिलेशंस डील करते थे। तो उस समय कैसा था, एक सिस्टम चलता था कि जो हिल त्रिपुरा है, जो पहाड़ी त्रिपुरा है, वो इस राज परिवार के, माणिक्यदेव बर्मन परिवार के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और जो प्लेन त्रिपुरा है, जो कोमिला नोआखली का जो इलाका है, जो मुगलों ने कैप्चर कर लिया था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ जमींदारी, कि वहाँ पे उनका डायरेक्ट रूल नहीं था, उनकी सिर्फ वो रेवेन्यू, जमींदारी की तरह उन्हें वहाँ से रेवेन्यू मिलता था। तो ये सिस्टम चलने लगा। आगे जब 1757 में प्लासे की लड़ाई हुई, और जब अंग्रेज़ों ने बंगाल के जो नवाब है उनको हटाकर अपना राज बंगाल में फैलाया, तो इसी सिस्टम को आगे चलाया गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1760s ऑनवर्ड्स जो महाराजा ऑफ त्रिपुरा थे, उनके दो ड्यूअल, जैसे हम बोलते हैं, स्टेटस थे। ही वॉज द महाराजा ऑफ त्रिपुरा एंड द जमींदार ऑफ चकला रोशनाबाद। उस जो प्लेन त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा जमींदारी है, उसे चकला रोशनाबाद कहा जाता था। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो त्रिपुरा जमींदारी है चकला रोशनाबाद की, वो त्रिपुरा स्टेट से दुगने साइज की थी, और उसका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट जो पहाड़ी त्रिपुरा है उससे 3-4 गुना ज़्यादा था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी ज़मीन थी। उसमें नोआखल्ली, कोमिला, और जो काफ़ी बांग्लादेश का जो एक समृद्ध जो एरिया माना जाता है, वो सब इसमें आता था। 1857 में जब गदर पूरे भारत में हुआ, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम बात करते हैं दिल्ली में रिवोल्ट की, झांसी में रिवोल्ट की, मेरठ में रिवोल्ट की, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि चिटगोंग या चितगांव जो बांग्लादेश में है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी। और काफ़ी जो जो बागी या भारतीय क्रांतिकारी ट्रूप्स है, वो अगरतला में आए थे। यहाँ पर भी उनकी राजा के साथ और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई थी, वो जंगल में चले गए। तो यहाँ पर भी काफ़ी एक सीन ऑफ एक्शन हुआ था 1857 में। 1857 में यहाँ पर जो राज करने वाले राजा थे, वो थे महाराजा ईश्वर चंद्र। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं एसडी बर्मन और आरडी बर्मन, उनका त्रिपुरा राज परिवार के साथ क्या संबंध है। तो ये वही कहानी है। तो जैसे इंटरनेट पे पॉपुलर है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप ये क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्या हुआ कि महाराजा ईश्वर चंद्र देव बर्मन माणिक्य, उनके दो बेटे थे। तो महाराजा ईश्वर चंद्र देव बर्मन जो है, उनके दो लड़के थे, जिनमें से छोटे लड़के थे नवद्वीप चंद्र देव बर्मन, जिन्हें हम एनडी बर्मन भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ, 1862 में जब ईश्वर चंद्र देव बर्मन का निधन हो गया, तब उनके बेटे राजा नहीं बने, बिकॉज कोई पैलेस इंट्रीग हुआ होगा, डिस्प्यूट हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट, उनके भाई राजा बने। तो ये जो राजा के जो लड़के थे एनडी बर्मन, वो कोमिला चले गए, जो चकला रोशनाबाद जमींदारी का एक हिस्सा हुआ करता था, एंड ईस्ट बंगाल, टेक्निकली इट वॉज अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस। फिर वहाँ पर वो रहे। फिर उनके जो लड़के थे वो थे सचिन देव बर्मन, और फिर सचिन देव बर्मन ने
फिर फिल्मों में उनको इंटरेस्ट था। 1940s में वो मुंबई आए, फिर सचिन देव बर्मन के लड़के हुए राहुल देव बर्मन, आरडी बर्मन, जो हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो भारत के सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स में थे। बट यू नो, यही होता है इतिहास का खेल, कि अगर 1862 में अगर इतिहास के जो पासे हैं वो अलग पड़े होते, तो शायद शायद एसडी बर्मन और फिर आरडी बर्मन त्रिपुरा के राजा होते, और मे बी आशा भोसले यू नो त्रिपुरा की महारानी होती। तो आई मीन इट्स अ व्हाट्स व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री। तो ये थी एसडी बर्मन और आरडी बर्मन की त्रिपुरा राज परिवार के साथ रिलेशनशिप की कहानी। अब जो एनडी बर्मन, जो हमने बताया कि जो चाचा, जो एनडी बर्मन के जो चाचा है जो राजा बने थे, वो थे बीर चंद्र। अब बीर चंद्र कि और एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, बिकॉज राजा बीर चंद्र का संबंध है भारत में लिए गए पहले सेल्फी के साथ। अब आज सेल्फी इतनी पॉपुलर हो गई है, बट टू इमेजिन कि 1860s एंड 70s में एक सेल्फी का होना। तो महाराजा जो बीर चंद्र जो थे, वो फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे। अब ये माना जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट कैमराज इम्पोर्टेड इन इंडिया वॉज बॉट बाय महाराजा बीर चंद्र। पर महाराजा बीर चंद्र जो थे, उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन्होंने उस समय काफ़ी फोटोग्राफ्स लिए, उनका एक खुद अपना फोटोग्राफी स्टूडियो हुआ करता था। और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है अपनी फेवरेट महारानी, जो मणिपुरी प्रिंसेस थी, महारानी मनमोहिनी देवी के साथ, जिनमें वो और उनकी वाइफ बैठी हुई है। और उस टाइम के वो जो बड़े कैमरे के साथ वो एक सिस्टम होता था कि वो सेल्फ पुलिंग शटर का, उससे उन्होंने वो फोटोग्राफ लिया है। और इट इज़ अ इट इज़ यू नो आई मीन खुद ने लिया हुआ फोटो, तो टेक्निकली वो एक सेल्फी है। और एक इंटरेस्टिंग बात वो उस फोटोग्राफ की ये है कि उस समय जो फोटोग्राफ्स लिए जाते थे, तो बहुत ही लाइक फॉर्मली आप खड़े हुए हो वैसे लिए जाते थे। पर अगर आप इस सेल्फी को देखो महाराजा और महारानी की, तो उसमें जो महारानी मनमोहिनी देवी है, उन्होंने एक ऐसे गले में हाथ रख के वो फोटोग्राफ एकदम इनफॉर्मल तरीके से लिया है, जैसे हम आज सेल्फी लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है त्रिपुरा राज परिवार को लेकर। महाराजा बीर चंद्र के समय ही एक मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्रेस की त्रिपुरा में शुरुआत हुई थी। उन्होंने उमाकांत एकेडमी करके एक फर्स्ट मॉडर्न स्कूल खोला था, और यहाँ पर उनके जो टगोर परिवार है, उसके साथ उनके अच्छे संबंध थे। महाराजा बीर चंद्र का निधन होने के बाद उनके बेटे महाराजा राधा किशोर त्रिपुरा के महाराजा बने। अनफॉर्चुनेटली वो गद्दी के आने के बिल्कुल कुछ ही समय में यहाँ पर एक बहुत भीषण अर्थक्वेक हुआ, द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ 1897, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे भीषण अर्थक्वेक में से एक है। और उस समय ऑलमोस्ट पूरा अगरतला और वहाँ के जो मिट्टी के जो बिल्डिंग्स थे, वो इस अर्थक्वेक में ढह गए थे। इनफैक्ट इवन राजमहल, जो पुराना राजमहल है, वो भी इस अर्थक्वेक में गिर गया। तब महाराजा राधा किशोर, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, इंटेलिजेंट थे, और एक मॉडर्नाइजर थे, उन्होंने एक नए अगरतला और नए त्रिपुरा की शुरुआत की। उन्होंने एक स्पेक्टेकुलर महल बनवाया, उजयंत महल, जिसे मार्टिन बर्न एंड कंपनी, जो कलकत्ते की सबसे प्रेस्टिजियस आर्किटेक्चरल फर्म मानी जाती थी, उसे बसाया। इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेस, और अगर आप देखें तो वो बिल्कुल एक यूरोपियन पद्धति का है। एंड इट शोज़ द डिज़ायर ऑफ द महाराजा कि हम त्रिपुरा को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। महाराजा राधा किशोर जो थे, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भी एक पेट्रन रहे। उनके काफ़ी इंटरेक्शंस होती थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से के साथ। इनफैक्ट उन्होंने जब ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तब त्रिपुरा के राजाओं ने उसे काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट किया। ना सिर्फ ये, बल्कि इवन
जगदीश चंद्र बोस जो फेमस साइंटिस्ट थे, तो उन्हें भी यू नो उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का फंडिंग महाराजा राधा किशोर ने ही किया। तो उसकी वजह से त्रिपुरा का स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी जो प्रेस्टीज है वो बढ़ा। महाराजा राधा किशोर के बाद आए गद्दी पर महाराजा बीरेंद्र, उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए रियासत में, यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स किए, और उन्होंने यहाँ पर जो एक महल बनाया जो कुंजाबन पैलेस या पुष्यबंटा पैलेस कहा जाता है, जो आज का राजभवन है, उसका उन्होंने निर्माण किया। जो अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसे उन्होंने डेवलप किया, और एक आर्मी को उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया। उसके बाद 1923 में गद्दी पर आए महाराजा बीर बिक्रम। नाउ महाराजा बीर बिक्रम कैन डेफिनेटली बी कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। उन्होंने अगरतला में एयरपोर्ट बनवाया, उन्होंने यहाँ पर उनकी एक संकल्पना थी कि एक बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अगरतला में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अनफॉर्चुनेटली वो अपने जीवन काल में उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, पर थैंकफुली आज यू नो वहाँ यूनिवर्सिटी का नाम बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी है। टी इंडस्ट्री उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर डेवलप की जाए, प्लांटेशन हो वो डेवलप करने की कोशिश की। 1941 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो त्रिपुरा का है उसे बनवाया, और एक बहुत काफ़ी प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस महाराजा बीर बिक्रम के समय में हुआ। इनफैक्ट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद उन्हें ऑनर किया था और उन्हें कहा था कि आप उनकी बहुत प्रशंसा महाराजा बीर बिक्रम की थी। अनफॉर्चुनेटली 1947 में भारत के आज़ादी के कुछ ही महीनों पहले महाराजा बीर बिक्रम का निधन हो गया, और उनके जो बेटे थे वो उन बहुत कम उम्र के थे। तो तब जो गद्दी की जो रीजेंट बनी, जो त्रिपुरा राज परिवार की रीजेंट बनी, महारानी कांचन प्रभा देवी। अब महारानी कांचन प्रभा देवी जब रीजेंट बनी तो ये त्रिपुरा के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि अगर आप देखें तो इस समय क्या हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम दंगे, अभी दिस इज़ जस्ट बिफोर पार्टीशन एंड ऑल, तो यहाँ पर काफ़ी जो बंगाल में उत्तर भारत में कत्लेआम हुआ था, और सबसे भयानक जो हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे वो हुए थे नुआखल्ली में, जो त्रिपुरा बॉर्डर के बिल्कुल उस तरफ था, और यू नो जो चकला रोशनाबाद के बिल्कुल पास में आता था। तो सारे जो हिंदू रेफ्यूजीज थे इस सारे एरिया के, वो त्रिपुरा में पनाह ले रहे थे, और यू नो सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अब जब भारत आज़ादी की तरफ आया तो जो त्रिपुरा के जो दक्षिण का जो इलाका है वो जो चिट्टगोंग हिल ट्रैक्स वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, जो चकला रोशनाबाद है जो कोमिला और नुआखली का इलाका है, जो त्रिपुरा जो जिसे त्रिपुरा ने क्लेम किया था कि नहीं वो हमें वापस मिलना चाहिए, वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, और त्रिपुरा के उत्तर में जो सिलहट का जो रीजन था वहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ और वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो अब क्या हुआ कि त्रिपुरा तीनों तरफ से ईस्ट पाकिस्तान से घिर गया, और सिर्फ एक ही जो एक छोटा सा जो रास्ता है जो असम की तरफ जाता है वो अभी दैट वाज द ओनली लिंक त्रिपुरा हैड विद इंडिया। और उस समय क्या था कि जो जो महारानी रीजेंट महारानी थी कांचन प्रभा देवी और जो उनके बेटे थे महाराजा किरीट बिक्रम, उनकी उम्र बहुत कम थी, वो त्रिपुरा के शिलोंग कासल में रहते थे, और अगरतला में और त्रिपुरा में एक कॉन्स्पिरसी हुई कि एक विद्रोह होगा और त्रिपुरा को एक प्रेशर डाला जाएगा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर कि त्रिपुरा को ईस्ट पाकिस्तान में या व्हाट टुडेज़ बांग्लादेश में मर्ज किया जाए। पर थैंकफुली सरदार पटेल ने और महारानी कांचन प्रभा देवी के प्रयास के कारण त्रिपुरा जो है वो भारत का एक हिस्सा बन गया। जो त्रिपुरा राज परिवार है वो आज भी वहाँ के पॉलिटिक्स और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ में उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। अनफॉर्चुनेटली बाकी रियासतों की तरह त्रिपुरा में जो राज परिवार के जो
चिन्ह है वो है, आई मीन खूबसूरत महल है, इनफैक्ट त्रिपुरा में नीर महल है जो भारत के वन ऑफ द फ्यू लेक पैलेसेस इन इंडिया एंड ऑल। अनफॉर्चुनेटली एक रिमोट लोकेशन होने के कारण और बाकी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वहाँ पर इतना टूरिज्म नहीं बढ़ा है, पर आशा यह है कि त्रिपुरा रियासत की गौरवशाली कहानी सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिपुरा जाएंगे वहाँ के राजसी वैभव के चिन्हों को देखने के लिए। तो ये थी कहानी त्रिपुरा रियासत की।